Good morning, everyone. A very good morning, class. How are you all? I know आपकी क्लास का टाइम 11:05 है. बाकी मैंने ज्वाइन कर लिया क्योंकि सभी बच्चे ऑलमोस्ट 11 बजे तक आ ही जाते हैं. ओके क्लास, अभी तक न्यू स्टूडेंट्स ही आए हैं ज्यादातर. कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूं. प्रीति, गुड मॉर्निंग. सुप्रिया, गुड मॉर्निंग. वीना, नंदिता, गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. ओके, आप सबने करंट पढ़ा प्रीवियस वीक का? कल की न्यूज देखी, आरबीआई ने किस तरीके से अपना अभी सेम रखा है सब कुछ, मॉनेटरी पॉलिसीज. कल की न्यूज पढ़ी थी सबने आपने? यस, कोई भी चेंजेस नहीं है. ये चेंजेस आपको याद रखने हैं और आगे अब मीटिंग होगी जो अगस्त के लिए, उसमें भी देखो क्या होता है. बाकी COVID-19 के टाइम पर ये चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, जो आपसे मॉनेटरी पॉलिसी में जितने भी टर्म्स है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो क्या परसेंट चल रहा है, ये सब चीजें याद रखनी होती हैं. जैसे न्यू स्टूडेंट्स को मैंने ये बताया नहीं है, लेकिन ओल्ड स्टूडेंट्स को ये पता है क्योंकि मैं मॉनेटरी पॉलिसी उन्हें करा चुका हूँ, तो उन्हें ये बातें पता है. ओके क्लास, आज ना अभी खैर बच्चों को ज्वाइन कर लेने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ. और बताइए, कोई परेशानी, कोई समस्या? आपने टॉपिक आपको मिल गया है क्या उसका, कैपिटल मार्केट वाला? गुड मॉर्निंग मोहम्मद अमान. अमान, आप कल की क्लास में नहीं थे. नवेद्या, आप भी नहीं थे. अच्छा, कनेक्शन लॉस्ट हो रहा था. नंदिता, आप भी नहीं थे. क्यों नहीं थे, मतलब क्यों नहीं थे ये बताओ पहले. नहीं थे वो तो ठीक है, लेकिन क्यों नहीं थे ये बताओ. आपको पता है ना, जब टॉपिक का कंटिन्यूएशन होता है और अगर कुछ भी ऐसे स्किप हो जाए ना बीच में लेक्चर, तो फिर वो पूरा टॉपिक बेकार. गुड मॉर्निंग रेणुका, वेरी गुड मॉर्निंग. अच्छा, कल वैक्सीन लगवाने गए थे उसी टाइम पर, तो आपने स्लॉट बुक तब क्यों नहीं किया जब आपका टाइम फ्री था, या लेक्चर्स के टाइम के अलावा कोई स्लॉट बुक कर लेते? अच्छा, बुक नहीं किया था. ओके हाँ रितिक, इजली बुक तो नहीं होते, स्टॉक अवेलेबल नहीं है. गुड मॉर्निंग शीतल, गुड मॉर्निंग अंजलि, वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऋषिका. गुड मॉर्निंग रूपल. तो क्लास ठीक है, टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 11:05. देखिए क्लास, प्रीवियस क्लासेस में मैंने जो टॉपिक डिस्कस किए थे आपसे स्टार्टिंग पार्ट के, दैट वाज सीएम एंड गवर्नर्स में डिस्कस कर चुका था. जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं मेरे साथ अभी हाल फिलहाल में ही, जैसे रूपल ने कल, न्यू स्टूडेंट थी रूपल, तो आप प्लीज उन लेक्चर्स को एक बार यूट्यूब पर गो थ्रू हो जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा.
क्योंकि जो स्टैटिक पार्ट है उसका तो शायद मैं रिवीजन ना लू, ठीक है, स्टैटिक पार्ट का रिवीजन नहीं ले पाऊंगा, बाकी जो टॉपिक वाइज छूटा है उसका मैं रिवीजन लूंगा, ठीक है। रिवीजन मतलब आपकी सेपरेट क्लास होंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत से आपके जैसे स्टूडेंट हैं जिनके बहुत सारे टॉपिक स्किप हो गए हैं, तो उन टॉपिक्स को मैं दोबारा कराऊंगा एट लास्ट, या मिड में देख लेंगे जिस तरीके से भी रिक्वायरमेंट होगी। बाकी स्टैटिक पार्ट में कुछ चीजें मैंने जैसे सीएम एंड गवर्नर डिस्कस कर चुका हूँ, एयरपोर्ट डिस्कस कर लिए थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड उसके बाद आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेशनल पार्क्स, ठीक है। सो क्लास, ये पार्ट जो स्टैटिक पार्ट में बता रहा हूँ ना, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी वालों के लिए भी और आपका बैंकिंग वालों के लिए भी, ठीक है। सो ये आज मैं नेशनल पार्क डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपको ना मैं नेशनल पार्क के बाद यहाँ पर ना कुछ मैंने नेशनल पार्क में ट्रिक्स रखी हुई है याद करने के लिए, आप इनको मतलब मैं अभी डिस्कस करूंगा तो बता दूंगा। बाकी ना कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको अपने आप से ही याद करना पड़ेगा, तो मैं ये आज आपको पीडीएफ दूंगा, ठीक है। जैसे कि इस वाले इसमें ना न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हैं, इंडिया में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, कितना अंडर कंस्ट्रक्शन है, कितने पावर प्लांट पूरी तरीके से अभी ऑपरेशनल है, ये सारी चीजें इसमें है, तो ये आप पढ़ेंगे, क्योंकि इसको क्लास में डिस्कस नहीं कर सकता, और लाइक इसमें डिस्कशन वाला कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ये सिर्फ स्टैटिक पार्ट है और आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद नेशनल हाँ प्रीति एंड मोहम्मद अमान, डोंट वरी, एक्चुअली मैंने पीडीएफ दिया ही नहीं है ना, मैंने सीएम एंड गवर्नर वाला पीडीएफ नहीं दिया मैम को, डोंट वरी, अभी मैं आज पीडीएफ दूंगा, क्योंकि मुझे पहले ये था, क्योंकि ये कॉमन पीडीएफ है ना, तो मैं ये चाहता था, हाँ ये इम्पोर्टेंट है रेनू का, तो मैं ये चाहता था कि पहले मैं टॉपिक्स डिस्कस कर दूंगा, देन मैं पीडीएफ दूंगा, ठीक है। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर इसमें ना लिस्ट ऑफ ऑल इंडियन बैंक्स एंड देयर टैगलाइंस, ये ना बैंकिंग वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा एसएससी वालों के लिए कम है, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग वालों के लिए ना बैंक्स की टैगलाइंस पूछी जाती हैं कि किस बैंक की क्या टैगलाइंस है, तो मैंने यहाँ पर ना लिस्ट ऑफ ऑल इंडियन बैंक्स डिवाइड किए हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स के 4 टाइप, आप इसे जब देखेंगे तो ये हो जाएगा, आपको बहुत फोकस नहीं करना, बस टैगलाइंस पे फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो एक लिस्ट आपके सामने आई है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन इज इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इस तरीके से आपको ना ये टैगलाइंस याद करनी पड़ेंगी, बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइंस क्या है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टैगलाइंस रखी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ही बैंक रखे हैं। रीजनल रूरल बैंक्स आपको नहीं करने हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आपको पढ़ाया जाएगा जब मैं नाबार्ड कराऊंगा, ठीक है। सो आपको रीजनल रूरल बैंक्स की, व्हाट इज डॉग कॉइन एंड बिटकॉइन, इट्स अ क्रिप्टो करेंसीज प्रीति, दीज आर क्रिप्टो करेंसीज प्रीति, अभी मैं ये चीज एक बार डिस्कस कर दूं, फिर आप पूछ लेना सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि बीच में कंटिन्यूएशन मत ब्रेक किया करो, जब मैं फ्री हो जाया करूं किसी एक टॉपिक से तो आप मुझे बता दिया करो कि आपको क्या पूछना है, ठीक है। सो ये टैगलाइंस आपको करनी है क्लास, ये मैं आज पीडीएफ दूंगा आपको, इसमें करीब आपके रखे हैं मैंने, काफी बैंक्स हैं जिनकी टैगलाइंस आपसे पूछ ली जाते हैं पेपर में, तो ये आप सारी पढ़ के देखिएगा, याद करिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर मेजर डैम्स रखे हैं इंडिया के, डैम्स पूछे जाते हैं एसएससी वालों के लिए भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड बैंक वालों के लिए, इवन एसएससी वालों का ये पार्ट ज्योग्राफी में भी कंप्लीट कराएंगी मैम, ख्याति मैम, सो उनको इतनी वरी होने की जरूरत नहीं है, बाकी स्टैटिक मेरी तरफ से ये बैंक वालों के लिए रहेगा, क्योंकि बैंक में पूछे जाते हैं डैम्स और कौन से रिवर पर है वो भी, तो मैंने यहाँ कुछ छोटी सी लिस्ट है, ज्यादा बड़ी नहीं है, जो बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से और एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ महारत्नास एंड नवरत्नास कंपनीज इन इंडिया, क्लास इस टॉपिक को ना मैं आपको दे दूंगा आज, लेकिन ना आप इसको पढ़ना, अगर लगेगा कि ये डिस्कशन लेना है तो मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा क्लास में, बाकी ये पूरा जो भी मैंने क्लासिफिकेशन दिया है इसमें सारी मैंने एलिजिबिलिटी बताई है कि कौन सी कंपनी को महारत्ना का नाम दिया जाता है,
कौन सी कंपनी को नवरत्ना का नाम दिया जाता है, कैसे डिविजन्स हो रखे हैं इस तरीके से, टोटल आपकी महारत्नास कितनी है, जैसे 10 महारत्नास हैं, 14 नवरत्नास हैं, ठीक है। सो ये आपको पढ़नी है। टोटल यहाँ पे मैंने लिस्ट भी रखी है, जिसमें कि मैंने इवन ये भी बताया है कि कौन सी कंपनी कब स्टाब्लिश हुई थी। जैसे कि महारत्नास के बारे में पूछा जाता है, तो ये 10 महारत्नास के बारे में मैंने ऑलमोस्ट रखा हुआ है कि हर महारत्नास का काम क्या क्या है, कौन किसके साथ कॉपरेशन में काम करती है, कब स्टाब्लिश हुई थी, जैसे ONGC का काम क्या है, NTPC का काम क्या है, ठीक है, ये सब यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इनको एक बार आप देखेंगे ना, जब आपको समझ आ जाए, अगर लगे कि हाँ समझ आ रहा है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अगर नहीं लगता कि नहीं आ रहा है समझ में, तो आपको मेरे से बता देना है कि आप सर क्लास में डिस्कस कर दो, तो एक बार मैं इनको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये लिखे हुए बहुत इजी लैंग्वेज में। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर मिनी रत्नास एंड महारत्नास के बाद, आपकी ना पोर्टफोलियोज रखे हुए हैं, पोर्टफोलियोज जो कि इस टाइम पर आपके यूनियन काउंसिल्स में है, यानी टोटल मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो आपसे पूछे जाते हैं कि अभी हाल फिलहाल में, जैसे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है, राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन है, अमित शाह, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि ये मिनिस्टर्स कौन से हैं। तो यहाँ पर टोटल मैंने पोर्टफोलियो ऐड कर रखा है, आप इसको भी पढ़िएगा। इसके लिए भी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, तो आपको ये एज इट इज याद करने पड़ेंगे, ठीक है, इनको देखिएगा। तो इस पूरे PDF में ना ये टोटल आपकी 5 to 6 टॉपिक्स है, 6-7 टॉपिक्स है जनरली, और ये आपको करने हैं, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा नेशनल पार्क्स के बारे में बता दूं, फिर हम इससे आगे अपने करंट अफेयर के क्विजेस पे चलेंगे। क्लास समझ आ रही है, क्लास सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं ना? हाँ जी, तो प्लीज इसको करिएगा, अगर लगता है कोई इश्यू है तो मुझे बताइएगा, आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, सो नेशनल पार्क्स के बारे में एक बार फटाफट छोटा सा, 22-23 नेशनल पार्क्स हैं आपके टोटल जो आपको पढ़ने, मतलब मैं स्टेट वाइज करा रहा हूँ, तो स्टेट वाइज आप देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही रखे हुए हैं, बैंक में भी आ रखे हैं, इवन SSC में भी आ रखे हैं, ठीक है। सो देखिएगा, नेशनल पार्क्स अगर टोटल बात करें, नेशनल पार्क्स का मतलब क्या होता है, देखो, यू नो दैट वन इज ऑफ योर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड अनदर वन इज ऑफ योर वाइल्ड अनदर वन इज योर नेशनल पार्क्स। दोनों में डिफरेंस पता है आपको, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में डिफरेंस क्या है? अंशिका आप बताइए, अंशिका हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड नेशनल पार्क्स दोनों में डिफरेंस। एक पब्लिक के लिए होता है कीरत, कौन सा पब्लिक के लिए होता है कीरत? सर हाँ जी वाइल्ड लाइफ प्रीति, सेंचुरीज तो मतलब वाइल्ड एनिमल्स एनिमल्स के लिए होता है, और नेशनल पार्क तो फ्लोरा फौना इन सब के लिए होता है। देखिए, हाँ ठीक है प्रीति, बट द थिंग इज, यहाँ पर गर्व ने इवन लिखा है कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज जो होते हैं ना, उनको हम जनरली किसी भी फ्लोरा एंड फोना स्पीशीज को हम उनकी नेचुरल इकोसिस्टम में उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, कंजर्व करते हैं, जबकि नेशनल पार्क्स में उनको एक सराउंडिंग्स क्रिएट की जाते हैं, जिस सराउंडिंग में वो रहना चाहते हैं, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ मतलब सैंक्चुरीज एंड कि वाइल्ड लाइफ नेशनल, सेंचुरी वो नेचुरल हैबिटेट हो गया। हाँ नेचुरल हैबिटेट होते हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जितनी भी हैं, जबकि नेशनल पार्क्स में अगर मैं बात करूं तो नेशनल पार्क्स आपके आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं, एक सराउंडिंग्स क्रिएट की जाती है, ठीक है। ओके, सो देखिए उसी के बेसिस पर, तो यहाँ पर नेशनल पार्क टोटल इंडिया में जो है दैट इज 104, ठीक है, क्लियर हो गया ना क्लास? टोटल आपके, हाँ, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में एनिमल्स होते हैं जनरल केस में, लेकिन देखो एनिमल्स को अगर हम रख रहे हैं या एनिमल्स आपके वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में पाए जा रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं ट्रीज या फिर कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरियाज तो होंगे ना अंशिका, विदाउट फॉरेस्ट एरियाज तो एनिमल सर्वाइव करने वाले हैं नहीं,
इसीलिए देखा जाए तो फ्लोरा एंड फोना दोनों स्पीशीज का ही है। किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए आप एनिमल के लिए कहो कि सिर्फ फोना फोना ही है, तो फोना ही नहीं है, फ्लोरा भी है। ठीक है। सो देखिएगा, नेशनल पार्क्स टोटल आपके 104 नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें कि सबसे सुशील, जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड नेशनल पार्क्स है ना, दोनों ही गवर्निंग बॉडीज होती हैं, दोनों ही गवर्निंग बॉडीज होती हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से इनका लेना देना नहीं है, IUCN गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। ठीक है। सो चलिए, यहाँ पर 104 नेशनल पार्क है टोटल। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेशनल पार्क, जनरली अगर हम बात करें फर्स्ट नेशनल पार्क की इंडिया में, जो आपका बना था वो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जिसको पहले नाम दिया जाता था हेले नेशनल पार्क का। ये नाम आ चुका है पहले भी कि हेले नेशनल पार्क इसको कहा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। उसके बाद आपका हेमिस नेशनल पार्क के में है, इट्स लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का हेमिस नेशनल पार्क। नो ह्यूमन एक्टिविटीज एंड राइट्स आर अलाउड एक्सेप्ट फॉर द वंस परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। जनरली हाँ संजीत, इससे स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट बॉडीज होती है, क्योंकि स्टेट की परमिशन के बिना अलाउ नहीं किया जाता किसी को भी नेशनल पार्क में कोई भी एक्टिविटीज करने के लिए। यहाँ पर लिखा भी है मैंने, जिस स्टेट का नेशनल पार्क है उस स्टेट के वहां पर जितने भी आपके चीफ वाइल्ड लाइफ जो भी है वार्डन है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाकर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हो। साथ के साथ टोटल अगर हम बात करें तो अराउंड 1.23% ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का कवर करते हैं नेशनल पार्क। और जनरली अगर हम बात करें यहाँ पर, ये 2020 में असम का आया था बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने ये रखा हुआ है पॉइंट। असम का आपका एक नेशनल पार्क है, दैट इज देहिंग पटगई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। ये एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जिसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट करने की बात की जा रही थी, तो ये पे बहुत बार पेपर में आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर इस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में जो नेचुरल हैबिटेट है ना, उतना मतलब उतना सेफ नहीं रहा, या फिर ये कह सकते हो कि उतना पावरफुल नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो इसीलिए उसको कन्वर्ट करने की बात की जा रही है नेशनल पार्क में। ठीक है। सो ये 2020 की बात है, असम के कौन से वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की, देहिंग पटगई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ठीक है। सो देखिएगा यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क्स, जैसे कि आंध्र प्रदेश का नेशनल पार्क। क्लास यहाँ पर जो ये ट्रिक रखी हुई है ना, टिप लिखा हुआ है यहाँ ऑलरेडी, ये ना आप कैसे भी याद कर लेना, बाकी कोशिश की है मैंने कि आप इसको इस तरीके से याद कर लें, आपको जो बेहतर तरीका लगे उस तरीके से याद करिएगा। मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड नेशनल पार्क में क्या फर्क होता है? आपने अभी ज्वाइन किया क्या मानस? मैंने बताया वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में एक्चुअल में नेचुरल हैबिटेट में इसमें प्रोटेक्शन दी जाती है, कंजर्वेशन किया जाता है, जबकि नेशनल पार्क्स में उनको एक सराउंडिंग्स क्रिएट की जाती है ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब ह्यूमन मेड, मैन मेड, आर्टिफिशियल तरीके से। ठीक है। सो देखिएगा, नेशनल पार्क से आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो जैसे पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वरा, इसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पर, राजीव गांधी वेंट टू द वेंकटेश्वरा टेम्पल इन आंध्र प्रदेश एंड मेट हिज फ्रेंड पापी। ठीक है। सो आप इसे हिंदी में करो या इंग्लिश में यही स्टेटमेंट याद करो तो यहाँ पर ही आपको टोटल याद हो जाएगा कि राजीव गांधी वेंकटेश्वरा टेम्पल आंध्र प्रदेश में है, राजीव गांधी गए वेंकटेश्वरा टेम्पल आंध्र प्रदेश में किससे मिलने, अपने फ्रेंड पापी से। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। उसके बाद नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क मौलिंग एंड नामदफा, पूछा बहुत बार पूछा जा चुका है नामदफा और मौलिंग नेशनल पार्क, दैट इज इन अरुणाम वाज वॉकिंग इन मौली गार्डन्स। इस तरीके से आप स्टेटमेंट याद कर लोगे तो अरुणाम दोनों से हो गया, अरुण इज अरुणाचल प्रदेश, नाम इज फॉर नामदफा, वॉकिंग इन मौली गार्डन, मौली गार्डन इज इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। उसके बाद नेशनल पार्क इन असम, नेशनल पार्क इन असम इज डिब्रू शिखोवा, बहुत बार आ चुका है, काजीरंगा बहुत बार पूछा जा चुका है, मानस बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। हाँ संजीत, नेशनल पार्क्स में ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी अलाउड नहीं होती हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में अलाउड होती हैं, लेकिन एक लिमिटेशन के साथ, एक परमिशन लेनी पड़ती है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में भी कोई भी जाकर ऐसे नहीं अपनी मतलब इंटरफेरेंस कर सकता। ठीक है।
दूसरा बताऊं, दूसरा नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश, मॉलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। अरु नैम, अरु इज फॉर अरुणाचल प्रदेश, नैम इज फॉर नामदफा, वॉज वॉकिंग इन मॉली गार्डन, मॉलिंग के लिए हो गया। ठीक है रेणुका। नेशनल पार्क इन असम, तो असम में अगर बात की जाए तो मानस एंड दिब्रू वेंट टू काजी टू सी द एनिमल नेम ओरैंगुटन फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम। ओरैंगुटन आपने शायद देखा होगा, एक एनिमल, इट्स अ काइंड ऑफ मतलब ओरैंगुटन को हिंदी में क्या बोलते हैं, चिंपैंजी जैसा जो दिखता है, बंदर की तरह ही होता है वो, चिंपैंजी बंदर। ठीक है, तो ओरैंगुटन उसी की तरह से दिखाई देता है, हिंदी में मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं ओरैंगुटन को। सो मानस एंड दिब्रू काजी गए किसको देखने, एनिमल ओरैंगुटन को, कहां पर, स्टेट असम में। तो मानस एंड दिब्रू, हाँ मानस एंड दिब्रू आपका देखो दो, ये दिब्रू से हुआ और मानस, ये दो हो गए। काजी इज फॉर काजीरंगा, उसके साथ आपका नेम्ड ओरैंगुटन नमीरी के लिए, और आपको राजीव गांधी ओरैंग याद रखना है, राजीव गांधी ओरैंग इज फॉर ओरैंगुटन। ठीक है, क्या बुलाया मानस, क्या बुलाया मैंने मानस, सर मेरे को लगा कि आपने जब मेरे आपने अभी मानस चले ओरैंगुटान कुछ बोला था ना, तो मेरे को लगा आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो इसलिए। ओके ओके इट्स ओके। ठीक है, सो कोई बात नहीं क्लास, इट्स ओके। चलिए, वाया नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो दैट इज गौरव संजय फ्रॉम इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास दैट इज संजय नेशनल पार्क, और कंगर घाटी। तो गुरु संजय फ्रॉम कंगर वैली इज फीचर्ड इन द इंदिरा न्यूज़पेपर ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, गुरु संजय, गुरु घासीदास, कंगर इज फॉर कंगर घाटी और इंदिरा इज फॉर इंद्रावती। ठीक है, नेशनल पार्क इन गुजरात, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ गिर नेशनल पार्क। गिर तो बहुत बार आता है, आपको पता है कॉमन नेम है। वंसदा फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात ड्राइव्स अ ब्लैक वैन टू सी द गिर लायंस इन द मरीन बीच। सारे आपको हाइलाइटेड हो रखे हैं, वंसदा, गल्फ, गुजरात, गुजरात, ब्लैक वैन एंड गिर और मरीन बीच। ठीक है, नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदिरा किला नेशनल पार्क, सिंभर बारा, पेन वैली और खीर गंगा। खीर गंगा बहुत बार पूछा जा चुका है। तो पुलिस फाउंड द पेन यूज्ड बाय द किलर ड्यूरिंग द ग्रेट हिमालयन ग्रैंड प्रेस फ्रॉम रिवर गंगा। तो यहाँ पर इस तरीके से याद कर सकते हैं आप, किलर इज फॉर खीर गंगा, पेन इज फॉर पेन वैली, ग्रेट हिमालय के लिए, ग्रैंड प्रेस फ्रॉम रिवर गंगा दैट इज खीर गंगा। अगर याद करना चाहो इस तरीके से भी याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बचा आपका सिंबल बारा, इसको आपको देखना पड़ेगा, एक बचता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर, नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में, हेमिस, किस्तवार, सलीम अली, दचीगम नेशनल पार्क। बहुत बार आ चुका है दचीगम के लिए, क्लास में जो बोलता हूँ जैसे कि ये दचीगम बहुत बार आ चुका है, तो इसको हाईलाइट कर लेना है आपको अपनी नोटबुक में। ठीक है, सो वॉर बिटवीन सलीम एंड हेमिस वॉज हेल्ड इन दचीगम प्लेस ऑफ जे एन के। दचीगम आपका जे एन के में है, वॉर हुआ, वॉर इज फॉर आपका किस्तवार और सलीम एंड हेमिस, यहाँ पर दोनों नेशनल पार्क्स। ठीक है, उसके बाद नेशनल पार्क्स इन कर्नाटका, नेशनल पार्क इन कर्नाटक की बात करें तो बैनर घाटा, बांदीपुर बहुत बार आ चुका है, बांदीपुर, आंशी, कुंद्रेमुख बहुत बार आ चुका है, और नगरहोल। ठीक है, अंशी एंड मुखी रेज्ड अ बैनर विद अ पिक्चर ऑफ अ नाग ड्यूरिंग द कर्नाटका बंद। ठीक है, तो जनरली अंशी और मुखी ने एक बैनर रेज किया जिसमें एक पिक्चर थी नाग की, कब, जब कर्नाटक बंद हुआ था। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आफ्टर दैट इज नेशनल पार्क इन केरला, नेशनल पार्क इन केरला इज पम्बदम सोला, इराविकुलम, साइलेंट वैली, पेरियार, अनामुदी शोला, बहुत बार आ चुका है, मतिकेतम शोला। तो माथी, रिया एंड अना फ्रॉम केरला सॉ पाम ट्रीज इन द इरावी मूवी शॉट इन साइलेंट वैली। सारे नाम यहाँ पर कवर हो रहे हैं, माथी इज फॉर आपका माथी केतम शोला, रिया इज फॉर आपका यहाँ पर इरावी कुलम, उसके बाद आपका अना, अना इज फॉर अनामुदी शोला, केरला केरला ही है, उसके बाद पाम ट्रीज इज पमाबदम शोला और इरावी इज फॉर इरावी कुलम। ठीक है, ठीक है क्लास, समझ आ रही है बात।
थोड़ा सा मैं जल्दी चलता हूँ, इसीलिए मैंने आप पर ट्रिक लिख दी है, क्योंकि आप लिखने में फिर टाइम लगाते हो, ठीक है? तो एटलीस्ट ये पीडीएफ मिल जाएगा तो आप यहीं से कर लीजिएगा इसको, ठीक? रेनू का फास्ट हो रहा है, मैं स्लो बोलूं क्या? बाकी सब कुछ तो लिख रखा है वैसे, स्लो बोलूं? इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। मैंने ये इसलिए कर दिया। ओके ओके, अगर इम्पोर्टेंट है तो स्लो बोल दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें, दी नेक्स्ट वन इज नेशनल पार्क्स इन मध्य प्रदेश। नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बहुत बार पूछा जा चुका है, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना, सतपुरा और वन विहार। तो कान्हा नेशनल पार्क इसमें इंपॉर्टेंट है। तो संजय एंड माधव वर ड्राइविंग अ वैन, संजय और माधव वैन ड्राइव कर रहे थे सैटरडे को कहां, बंधवगढ़ फॉरेस्ट से मध्य प्रदेश में कहां पहुंचने के लिए, पंचकाना। आप इसे हिंदी में भी कन्वर्ट करके करेंगे ना तो भी आपको याद हो जाएगा, बाकी इंग्लिश में स्टेटमेंट भी इजी है, ठीक है? एक्चुअली ना उसका नाम जो है ना वो संजय नेशनल पार्क, यहाँ पर ये रहा, गुरु घासीदास को संजय नेशनल पार्क बोला गया है। ये संजय देखो पता है क्या है, ये संजय नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है, जबकि गुरु घासीदास अभी रिसेंटली रखा हुआ है, गौरव। तो आपको पेपर में आएगा गुरु घासीदास, संजय नहीं आएगा जनरल, ठीक है? जनरली ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं, दी नेक्स्ट वन इज योर नेशनल पार्क इन महाराष्ट्र, संजय गांधी नेशनल पार्क। अब देखो यहाँ पर भी आ रहा है संजय गांधी है ये टोटल पूरा नाम, चंदोली, गुगामल, तदुबु और नवेगांव। नवेगांव नेशनल पार्क पूछा जा चुका है, तो संजय चंदन प्लेस तदुबु विद गुगामल इन नवेगांव ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पर संजय चंदन, संजय इज फॉर संजय गांधी, चंदन इज फॉर चंदोली, तबुदू तबुदू हो गया, गुगामल भी गुगामल डायरेक्ट, नवेगांव नवेगांव, ठीक है? नेशनल पार्क इन राजस्थान दैट इज सरिस्का, क्योला दियो बहुत बार आ चुका है, क्योला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट नेशनल पार्क, माउंट आबू नेशनल पार्क, रणथंबोर भी बहुत बार आ चुका है और दारा नेशनल पार्क। तो जनरली सरिस्का एंड कियो वेंट टू द माउंट आबू लोकेटेड एट डेजर्ट इन राजस्थान एंड फेल्ट बोर्डम वाइल वॉचिंग डियर, ठीक है? सरिस्का एंड कियो कहाँ गए, माउंट आबू, कहाँ पर लोकेट करता है ये, डेजर्ट में राजस्थान के, और वहां पर उन्होंने बोरियत फील की, बोर्डम हुआ उन्हें वाइल वॉचिंग डियर, डियर को देखते हुए। हाँ कुछ तो आपके प्लेस से क्लियर हो जाते हैं कि सही कह रहे हो आप, आपको कुछ चीजें जब आप पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये इसी जगह से रिलेट करते हैं, साफ क्लियर हो जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क ऑब्वियस है राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान, रणथंबोर राजस्थान, नाम से क्लियर हो रहा है, ठीक है? तो स्टेटमेंट तो मैंने देखो रखी है, बाकी आपकी चॉइस है, जिस तरीके से आपको याद हो सके बस करना है, ठीक है? उसके बाद नेशनल पार्क्स इन तमिलनाडु, इंदिरा गांधी, मुकुर्ति, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन, गुंडी और मुदुमलई, बहुत बार आ चुका है मुदुमलई, ठीक है? इंदिरा वियरिंग अ कुर्ती वेंट टू द मन्नार मरीन रिसोर्ट इन मुदुमलई तमिलनाडु टू सी अ गाय। नाम से देखो कितना सही स्टेटमेंट बन रहा है और आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। इंदिरा इज इंदिरा गांधी, कुर्ती इज फॉर मुकुर्ती, मन्नार मरीन, मन्नार मरीन गल्फ ऑफ मन्नार के लिए, मुदुमलई मुदुमलई के लिए, और आपका तमिलनाडु टू सिया गाय, गाय इज फॉर गुंडे, ठीक है? इस तरीके से नेशनल पार्क इन तेलंगाना, नेशनल पार्क इन तेलंगाना में महावीर हरिणा वनस्थली पूरा एक नाम है ये, ब्रह्मनंदा रेड्डी और मुर्गावर्णी नेशनल पार्क, ठीक है? मृगवाणी है ये, मृगवाणी, ठीक है? मृगवाणी नेशनल पार्क हिंदी में। तो महावीर एंड ब्रह्मनंदा रेड्डी वेंट टू दी तेलंगाना टू मीट गवानी, ठीक है? गवानी इज लाइक ऐसी वर्ड मैंने जनरली रख दिया, आप सर कुछ भी ऐड कर सकते हो। हाँ जी मानस, सर ऐसे पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन कि कौन से नेशनल पार्क कौन से एनिमल के लिए फेमस है, जैसे असम में नो नेशनल नो पार्क है। नहीं मानस, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। स्पेशली स्पेशल वाइज कोई एक स्पीशीज का नहीं आता पेपर में, एसएससी में भी नहीं, ना बैंक में तो बिल्कुल नहीं आएगा। एसएससी में अगर बाय चांस रख दिया तो रख दिया, अदरवाइज बैंक में तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना कि आपसे एनिमल स्पीशीज का कोई पूछेगा। हाँ लेकिन एसएससी वालों को एक चीज पूछ ले जाते हैं क्लास, जैसे कि आप जब फॉरेस्ट पढ़ोगे ना अपने
डेसिडुअस फॉरेस्ट और आपकी कॉर्निफेरस फॉरेस्ट और आपका ये मैनग्रोव फॉरेस्ट, इन सब फॉरेस्ट में ना आपकी सुंदरी के पेड़, दैट इज द डेल्टाइक फॉरेस्ट में आता है वो सुंदरी के पेड़, जो कि वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है। और मैंने उसका एक क्वेश्चन देखा था, पेपर में आया था एसएससी सीजीएल में, कि सुंदरी के पेड़ फेमस कहाँ पर है या कहाँ पाए जाते हैं, दैट इज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा के पास। यस, सो ये चीज ऐसे वाले इंपॉर्टेंट हो जाती है, बाकी आपसे कोई एनिमल स्पीशीज से रिलेटेड नहीं पूछता, ठीक है? ठीक है क्लास? हाँ सालीन, एसएससी में कुछ स्पेशल चीजों का आ जाता है, बहुत स्पेशल का, वो भी फॉरेस्ट वाइज, अदरवाइज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क से रिलेटेड तो नहीं आएगा, ठीक है? सो नेशनल पार्क इन उत्तराखंड की बात करते हैं, दैट इज राजा जी बहुत बार आ चुका है, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी बहुत बार आ चुका है, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत बार आ चुका है, और जिम कॉर्बेट बहुत बार आ चुका है, ठीक है? सो राजा गोविंद एंड हिज वाइफ नंदा देवी हैव सेंड देयर सन जिम एंड डॉटर गंगोत्री टू फ्लावर वैली बोर्डिंग स्कूल इन उत्तराखंड। देखो स्टेटमेंट कितना सही है, राजा गोविंद और उसकी वाइफ नंदा देवी ने अपने बेटे जिम और अपनी बेटी गंगोत्री को फ्लावर वैली स्कूल में भेजा उत्तराखंड में। सिंपल है, सारे आपको क्लियर हो जाएंगे इस सेंटेंस से, ठीक है? चलिएगा, नेक्स्ट इज नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल में फर्स्ट इज जल्दा पारा, बहुत बार आ चुका है, न्योरा वैली, सिंगालिया, सुंदरवन बहुत बार आ चुका है, कॉमन है, गोरुमारा और बक्सर टाइगर रिजर्व। तो जनरली फेमस बॉक्सर सुंदर सिंह हैज रिसेंटली मैरिड द गॉर्जियस बंगाली एक्ट्रेस नीरा जल्दा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, बॉक्सर इज फॉर बक्सा टाइगर, सुंदर इज फॉर सुंदरबंस, गॉर्जियस GOR इज फॉर गोरुमारा, बंगाली इज फॉर आपका यहाँ पर सिंगालिया के लिए है, और नीरा जल्दा इज फॉर न्योरा वैली, और जल्दा इज फॉर जल्दा पारा, ठीक है? इस तरीके से याद कर लेना। मानस, आपने क्या किया हुआ है इस एजुकेशन में, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? आपने बताया था, मैं भूल गया। सर बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर। बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर, आप दिल्ली से हो? हाँ जी सर। ओके ठीक है। क्या हुआ सर, मैंने कुछ गलत बोल दिया? आपने गलत नहीं कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है मानस? ऐसा नहीं है, मैंने अगर पूछ लिया, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? नहीं सर, स्कूल में ऐसा होता था, टीचर ऐसे बोलते थे ना, कहाँ से ये हुआ है, जब कुछ गलती होती थी तो इसलिए मेरे को लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वैसे भी आई एम नॉट अ स्कूल टीचर, और अब तो वैसे भी इतने बच्चों को आजकल कुछ कहना जायज नहीं होता ना, क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स आर दी लाइक फ्रेंडली बिहेवियर इन विद देयर टीचर्स, तो चीजें हमें भी मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक? हाँ, नेशनल क्वेश्चंस। हाँ जी सर, मानस, लास्ट 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 सर, नेशनल पार्क्स का वो डेट पूछ सकते हैं कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, ईयर पूछ नो ले जैसे? नो, बिल्कुल नहीं, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा नेशनल पार्क का बनना बना कब है, ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने अब तक की उसमें, तो नहीं देखा, आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन 5 से 7 साल पीछे के एग्जाम्स में भी देखूंगा तो नहीं आया ऐसा क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे प्रीति एंड गौरव। यस, सिर्फ स्टेट नाम होगा नेशनल पार्क का, स्टेट तो नहीं होगा, नाम होगा और किस स्टेट में ऐसे होगा, या फिर ये पूछ लेगा इस स्टेट में इनमें से कौन सा नेशनल पार्क नहीं है। तो ये वो जनरल रखे हैं मैंने जो ज्यादातर पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है? सो नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश एंड त्रिपुरा, दुधवा इज इन यूपी, नेशनल पार्क इन त्रिपुरा इज बाइसॉन, राजबरी एंड क्लाउडेड लेपर्ड। जनरली यहाँ पर ना ये मैंने दोनों एक साथ रखे हैं, यूपी में एक ही आपका दुधवा नेशनल पार्क और आपका त्रिपुरा में दो हैं, बिसन बाइसन बोल देते हैं, बाइसन एक प्रजाति भी है, जंगली भैंसा होता है बाइसन, ठीक है? तो बाइसन जिसको राजबरी नेशनल पार्क भी बोला जाता है और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ठीक है? ये इन प्रजातियों के लिए ही है मेनली, बाइसन के लिए और क्लाउडेड लेपर्ड के लिए, ठीक है? क्लाउडेड लैपर्ड, उसकी बॉडी पर क्लाउडेड क्लाउडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उस लैपर्ड की, इसलिए इसका नाम क्लाउडेड लैपर्ड है।
So leopard owned by the bison residing in Tripura was taken to the Dudheshwar temple in Uttar Pradesh. आपको स्टेटमेंट याद रखनी है तो स्टेटमेंट याद रखना, अदरवाइज डायरेक्ट भी रख सकते हो. नेशनल पार्क इन सिक्किम एंड उड़ीसा, कंचनजंगा बहुत बार आ चुका है इन सिक्किम एंड नेशनल पार्क इन उड़ीसा इज भितरकनिका एंड सिमलीपाल. क्लास सिमलीपाल तो अभी रिसेंटली आया था SSC में भी, अभी CHSL के जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए ना और कुछ के हो चुके थे, तो उसमें जो हो चुके थे उनकी मैंने शिफ्ट में देखा था. सिमलीपाल बहुत बार आता है सिमलीपाल, ठीक है, और कंचनजंगा भी. तो कंचन फ्रॉम सिक्किम वेंट टू उड़ीसा फॉर बाइंग अ न्यू सिम एंड इंस्टॉल्ड भीम ऐप इन हिज फोन. इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा फनी है. कंचन फ्रॉम सिक्किम वेंट टू उड़ीसा फॉर बाइंग अ न्यू सिम, एक सिम खरीदने गए, इंस्टॉल किया उसने भीम ऐप अपने फोन. नेक्स्ट इज नेशनल पार्क इन मिजोरम एंड नागालैंड, मर्लन एंड फंगुई ब्लू माउंटेन आर इन मिजोरम एंड नेशनल पार्क इन नागालैंड इज इन टंकी. ये दोनों याद रख लीजिएगा. ट्रिक आपके लिखी हुई है, लेन फ्रॉम मिजोरम, लेन इज फॉर आपका मर्लन के लिए, मिजोरम मिजोरम है, ब्लू वाटर इज फॉर फंगुई ब्लू और टैंक इज फॉर इन टंकी नागालैंड में. नेशनल पार्क इन मेघालय एंड मणिपुर, नौकरेक रिज और बालपक्राम बहुत बार आ चुका है. बालपक्राम मेघालय में है और नेशनल पार्क मणिपुर का केबुल लामजाओ भी बहुत बार आ चुका है, ठीक है, केबुल लामजाओ और बालपक्राम इज इन मेघालय. ट्रिक नीचे लिखी हुई है. नेशनल पार्क इन झारखंड गोवा, बेतला इज इन झारखंड एंड द नेशनल पार्क इन गोवा इज मोलम. मोलम भी आता है बहुत बार और मोलम से ज्यादातर रिलेटेड करते हुए बीचेस आ जाती है, ठीक है, तो बीचेस एक बार आप गो थ्रू हो जाना गोवा की, ठीक है, वो पूछता है पेपर में. तो मौली फ्रॉम गोवा हैड अ बेट विद अ झारखंड गाय, इस तरीके से याद रख लीजिएगा. नेक्स्ट वन इज नेशनल पार्क इन हरियाणा एंड बिहार, कालेसर एंड सुल्तानपुर आर इन हरियाणा एंड द नेशनल पार्क इन बिहार इज वाल्मीकि. सुल्तान ऑफ हरियाणा विजिटेड कालेसर म्यूजियम ऑफ बिहार टू सी वाल्मीकिज रामायण, ठीक है, इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद रखना, ठीक है क्लास. सो दिस इज ऑल अबाउट योर नेशनल पार्क्स, 22 नेशनल पार्क्स विद देयर स्टेट्स मैंने यहाँ पर रखे हैं, इनको आप पढ़िएगा, बाकी आपको हो जाएगा. अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताइएगा और कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी करते चलिएगा. अगर कोई चीज न्यूज में बहुत हाईलाइट होती है या किसी नेशनल पार्क से कुछ हाईलाइटेड आता है तो वो पढ़िएगा, ठीक है. सो चलिए मैं अब आगे चलता हूँ. हाँ, मैं PDF आज शालीन डेफिनेटली भेज दूंगा आपको और क्लास कल वाला PDF जो कैपिटल मार्केट कराया था उसका भी मैं आज भेजूंगा, दोनों ही एक साथ अटैच करवा के भेजूंगा तो आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है. चलिए उसके बाद हम आज क्विजेस पर आ जाते हैं अपने. यस क्लास, सो प्रीति कुमारी कल के करंट अफेयर का PDF नहीं आया है. ओके, आई आस्क, मैं पूछता हूँ आज रोमा मैम से ये क्यों नहीं आया. मैंने शेयर कर दिया था, मैं हर रोज 12-1 बजे तक PDF बनाकर शेयर कर देता हूँ, ठीक है. अच्छा, मॉर्निंग में आज आया है. ओके प्रीति, एक बार देख लेना, बच्चे तो बोल रहे हैं आ गया है, ठीक है. लो प्रीति शेखावत ने तो टाइम भी बता दिया, 10:05 पर आया. यस सर, मॉर्निंग में आया लेकिन कल नहीं ये. ओके ओके, हो सकता है कि कल उनको टाइम ना लगा हो, ठीक है, तो ओके कोई बात नहीं, ठीक, आज पढ़ लीजिएगा, आज दो दो हो जाएंगे, कोई बात नहीं. चलिए यस क्लास, सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के करंट अफेयर के क्विज पर. Name the new Prime Minister schemes launched by the government for mentoring the young authors. Generally, आज आपकी एक Prime Minister scheme launch की गई है, that is for mentoring the young author. Answer is A. Yes, UY scheme. UY scheme launch की गई है. UY is यहाँ पर जो है, ये young, Y for young, U for upcoming and versatile author. UY is young, upcoming and versatile author. ये जनरली आपकी मेंटर करने के लिए की गई है जो यंग ऑथर्स हैं उनको उनको, ठीक है. बाकी जो अनदर स्कीम्स हैं ये जैसे कि लक्ष्य है, ये आपका एक नेशनल हेल्थ मिशन है, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन है जनरली मैटरनिटी के लिए, मॉर्बिडिटी के लिए. हाँ, ये गवर्नमेंट स्कीम्स ही हैं कीरत, ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स नहीं है.
ठीक है, अभी ये युवा अब बनी है, लक्ष्य चलते हुए आ रही है, गुरु एंड उन्नति ऑलरेडी है। ठीक है, सो लक्ष्य आपकी एक नेशनल हेल्थ स्कीम है, लेबर रूम एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ये है। ठीक है, लक्ष्य जनरली ये आपका मैटरनिटी के लिए भी इंक्लूड कर रखा है इसमें, कि मैटरनिटी टाइम पर, प्रेगनेंसी टाइम पर मॉर्टेलिटी, इन सब को लेकर लक्ष्य में देख रेख होती है। उसके बाद गुरु की बात करें तो गुरु भी आपका एक, जितना भी ये वैनिशिंग आर्ट है ना, जो आर्ट जिनको लोग नहीं जानते उनको प्रिजर्व करने के लिए, ये आपका एक गुरु करके ये स्कीम है। ठीक है, टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द रेयर एंड वैनिशिंग आर्ट। ठीक है, आफ्टर दैट जो डी है उन्नति, उन्नति आपका ये एक इसरो के थ्रू एक प्रोग्राम है जो कि जनरली नॉन सैटेलाइट डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, नॉन सैटेलाइट डेवलपमेंट के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए ये प्रोग्राम है उन्नति, जो इसरो के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, सो ये चारों इस तरीके से आप कर लीजिएगा। बाकी बैंक वालों के लिए इसमें से युवा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो मेरे ख्याल से नहीं आएगी, ना ही एसएससी वालों के लिए आएगी। ठीक है, बैंक वालों की स्कीम्स मैं कराऊंगा, गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एज पर द गवर्नमेंट न्यू स्कीम्स, दोज फैमिलीज हु हैव लॉस्ट द अर्निंग्स मेंबर्स ड्यू टू, रितेश देखो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हम बात जो करते हैं वो वीक वाइज करते हैं रितेश, करंट की वीक वाइज। करंट में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं रख देता हूँ 50 क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी देखो कुछ चीजें आपको करनी तो पड़ेंगी एक्स्ट्रा, करंट वाइज भी करनी पड़ेंगी, कुछ न्यू चीजें भी करनी पड़ेंगी। और आप जो करंट अफेयर पढ़ते हो पीडीएफ में, उसको आप ऑन मी बैंकिंग रिलेटेड न्यूज में सारी रखता हूँ। ठीक है, सो उन पर ध्यान दो और जो करा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, तो एटलीस्ट आपका 80% सर, सिलेबस में अगर डन सर कर रहा हूँ। हाँ जी रितेश मैं पूछ रहा था कि कोई अलग ऐसा कोई बोलो। बुक, कोई बुक लेना पड़ेगा जिसमें स्पेशली बैंक के लिए कुछ, की जो आप पढ़ा रहे हैं जैसे रितेश पहले। नहीं नहीं रितेश, बैंक के लिए मैंने बुक प्रेफर करी है, बुक आपको किरण पब्लिकेशन और अरिहंत पब्लिकेशन की पढ़नी है, कॉन्सेप्ट वाइज सारा उसमें से पढ़ना है। बाकी अगर आपको अच्छा अप टू डेट रहना है करंट से, वो करंट मैं यहाँ पर कराता हूँ। कुछ एडिशनल अगर रह जाए तो देखो मैं उसकी नहीं कह सकता, और मैं सच पूछो तो इतना ज्यादा नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा। बाकी हाँ, आपको मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम से रिलेटेड है वो सब करा कर चलूंगा। ठीक है, सो आप मतलब सर, अरिहंत पब्लिकेशन, पब्लिकेशंस की बुक में सारी जीके हाँ की कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन। सारा है बैंकिंग अवेयरनेस का। यस ठीक है, सो आप उसे मतलब करिएगा। करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे और वो स्टैटिक जीके वो भी क्या हाँ, बोलते हैं उसमें उसकी। प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी इवन। ठीक ठीक है, है सर, ओके, थैंक यू। सो इट्स ओके। सेकेंड हाँ, तो गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की गई है उनके लिए जिन्होंने COVID-19 में अपनी फैमिली में कोई भी मेंबर को लॉस्ट किया है। तो आपका ये SIC के थ्रू, ये जनरली एवरेज डेली बेसिस के उनके ऊपर कितना आपका पेंशन रिलीज करने की बात की गई है, उनके परसेंट, उनकी वेजेस के परसेंट के हिसाब से। यस बताइए, इट्स बी 90%। यस क्लास, इट्स बी 90% वेजेस उनके इक्विवेलेंट की गई है उनके वेजेस के हिसाब से। और जनरली ये 24 मार्च 2020 से लेकर, मतलब जो आपका प्रीवियस ईयर से अब के 24 मार्च 2022 तक, आगे आने वाले 2022 तक के टाइम पे जो भी ऐसा कुछ पर्सन रहेंगे जिन जो एक्सपायर हो रहे हैं जिनकी फैमिली मेंबर में, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, वो इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेनर ऑफ द ऑफिस ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर, ये प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, 1 ईयर टिल 2022, हु इज द चीफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताइए। यस इट्स सी अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी का इंटेलिजेंस ब्यूरो का IB का टाइम पीरियड एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, 2022 जून तक। उसके बाद जो ये आपके VS के कौमुदी हैं, VS के कौमुदी ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, कि स्पेशल सेक्रेटरी हैं VS के कौमुदी। अजय कुमार भल्ला की बात करें तो ये होम सेक्रेटरी हैं, यू नो दैट। और नित्यानंद राय की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया है। ठीक है, ठीक, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स आपके नित्यानंद राय हैं, अजय कुमार भल्ला आपके होम सेक्रेटरी हैं, VS के कौमुदी जो हैं ये स्पेशल सेक्रेटरी इन MHA। ठीक है, इन MHA, तो ये चीज आप लिख लीजिएगा अगर चाहते हो एडिशनल। वैसे आपको जो कैबिनेट वो पोर्टफोलियोस प्रोवाइड कराऊं कर रहा हूँ ना मैं आज, उसमें है ये।
उसके बाद अगर बात करें द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज डेवलपिंग इन मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट द यूएन पीस कीपर्स इन एंश्योरिंग देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपके मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म को इंडिया ने सपोर्ट किया है जनरली यूएन पीस कीपर्स में, किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए और सेफ्टी के लिए। उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? यस, इट्स डी, यूनाइट अवेयर। यूनाइट अवेयर करके आपकी ये टेक्नोलॉजी है। जनरली इससे हम वही ये टेक्नोलॉजी यूज करी जाएगी सेफ्टी और सिक्योरिटी में, जितने भी आपके पीस कीपर्स हैं यूएन का, उसके थ्रू। ठीक, इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी है कुछ, आपको देख लेना कितना कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है इंडिया के थ्रू। ठीक, उसके बाद व्हाट मोबाइल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी have been imposed by RBI on the HDFC Bank for violating regulatory compliance in regards of Banking Regulation Act 1949 related to the auto loan portfolio of the bank. Yes class, अभी आपने देख रहे होंगे HDFC है, तो HDFC पे पेनल्टी इम्पोज की गई है, फाइन लगाया गया RBI के थ्रू, दैट इज ऑफ 10 करोड़ का। ठीक है, ये 10 करोड़ का फाइन लगाया गया है। आपको ये पता है क्लास, या मैंने शायद ऐड भी किया होगा, कि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के किस शेड्यूल में है फाइन, फाइन इम्पोज करना आरबीआई के थ्रू किस शेड्यूल में है? मैंने शायद मेंशन किया होगा सेकंड शेड्यूल में फाइन इम्पोज करना। बस सब शांत हो जाते हैं सब। क्लास ऐसे क्वेश्चन बैंक्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। आरबीआई से रिलेटेड कुछ भी चीज है ना, वो बैंक वालों के लिए ऐसी है, घोल कर पी जाओ उसे। ठीक है, यस, इट्स सेक्शन 8। अंशिका ने सही आंसर किया है, इट्स सेक्शन 8 में है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के। ठीक है, फाइन इम्पोज करना, जो भी बैंक्स एलिजिबल बैंक्स हैं और आरबीआई के अंडर में आते हैं उनके ऊपर फाइन इम्पोज करना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 8 में है। ठीक है, फेक बस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, फेक बस्टर इज अ यूनिक फेशियल डिटेक्टर टूल लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन टू प्रिवेंट इम्पोस्टर्स फ्रॉम द अटेंडिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड आइडेंटिफाई मैनिपुलेटेड फेसेस ऑन सोशल मीडिया। यू ऑल नो दैट, बहुत रहा है अभी तो ये फेक बस्टर, ये आपका एक फेस डिटेक्टर टूल लाया गया है किसके थ्रू? IIT रोपड़ के थ्रू। यस, ए ऑप्शन, IIT रोपड़ के थ्रू। रोपड़ कहाँ पर है? IIT रोपड़ पंजाब में है। यस, ये आपको अगर पता हो रोपड़, ये वही वाली जगह है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर थी। SSC वालों को पता होगा रोपड़। ठीक है, आइए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी साइट्स है ना, रोपड़, कालीबंगन, धोलावीरा, ये उन सब में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द इंश्योरेंस बेनिफिट अंडर द एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम विद एनहेंस द लिबरलाइज्ड फीचर्स टू फैमिलीज ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव लॉस्ट देयर लीव्स ड्यू टू कोविड एज पर द न्यू नॉर्म्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस बेनिफिट अंडर दिस स्कीम शैल बी। बताइए कितना अमाउंट आपका मैक्सिमम अमाउंट है जो लाया गया, इंक्रीज किया गया है इस स्कीम के थ्रू? नो क्लास, इट्स सी, 7 लाख रुपीज का अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट आपका इस इंश्योरेंस बेनिफिट के थ्रू रखा गया, इट्स सी। ठीक है, 7 लाख। प्रेरणा, एक्चुअल में ना पहले टाइम पर इस स्कीम में जो इंश्योरेंस फैसिलिटी थी वो कम थी, दैट वाज 5 लाख, अब बढ़ाकर की गई है 7 लाख। बस इतना सा डिफरेंस हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, देखते हुए लोगों की प्रॉब्लम्स को इतना सा बढ़ाया गया है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मेनी इंडियन पीस कीपर्स हैव बीन चूजन फॉर द प्रेस्टीजियस यूएन मेडल डैग हैम्सकॉल्ड हैम्सोल्ड मेडल पॉस्थमसली?
रितेश मिलता कितने को है? देखो रितेश, रितेश अब ये वो बात हो जाएगी बिल्कुल कि कुछ चीजें ना मैं आंसर नहीं करना चाहता, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कहीं ना कहीं वो ऐसी चीजें हैं जिनके अगेंस्ट हम बोल करना अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे सच पूछो तो, क्योंकि स्कीम्स लॉन्च तो कर दी जाती हैं लेकिन अनअवेयर एबिलिटीज हर किसी को नहीं होती, ठीक है, ये बात आप जानते हो। तो अगर मैं इस पे बात करूं भी कि कितनों को मिलता है तो कांट से एनीथिंग, ठीक, बस ये नाम के लिए है और बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कीम्स किसी एक पर्सन को लाने के लिए आप उसको इंश्योरेंस फैसिलिटीज दोगे तो वो सही साबित होंगी, कुछ टाइम के लिए हो सकती हैं, बट जो फैसिलिटीज उस टाइम पे चाहिए थी जिससे कि वो उसको सेव कर सकते हैं अपने मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को, उस टाइम पर आपने नहीं दी, आफ्टर दैट यू आर प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज और स्कीम्स, तो क्या बेनिफिट है उस चीज का। हाँ रितेश यही बात है, बस सबको मिलता तो बहुत अच्छा होता लेकिन क्या ही कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो आपके कितने पीस मेकर्स हैं? इंडियन पीस मेकर्स दैट इज ऑफ 3 पीस मेकर्स हैं, ठीक है, जो कि 129 टोटल अराउंड है, उसमें से 3 पीस मेकर्स को चूज किया गया है किसके लिए? हैमर्स गोल्ड मेडल पॉस्थमेसली के लिए, ठीक, और ये मेडल जो दिया जाता है ये करेज एंड सेक्रीफाइस के लिए दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट इज द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF हैज अनाउंस द रिनेम द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अंडर इट्स स्कोप्स। IBF में एक्चुअल में आपका डिजिटल इंक्लूड किया गया, उसको डिजिटलाइज्ड किया गया है और उसका नाम चेंज करके IBF का क्या रखा गया है? यस, इसका नाम चेंज करके इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन किया गया है, इसका अब नाम हो गया है जो IDBF हो गया है। ये वाला भी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट इज नेम द चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड। आई टोल्ड यू, मैंने ये पहले भी डिस्कस कर लिया है, प्रीवियस क्लास में बात हो गई थी इसके ऊपर। यस, डी सामंत कुमार गोयल का टाइम पीरियड जो है आपका इंक्रीज किया गया है 1 ईयर June 2022 तक। बाकी जो इसमें है ना, रविंदर कौशिक और मोहनलाल भास्कर, सरस्वती राजामणि, ये सब पहले थे, अब नहीं है, इवन दे आर नॉट एट प्रेजेंट लिविंग, मतलब ये जिंदा नहीं है, डेड है ये लोग, और ये जनरली सारे रॉ और स्पाई के ही हैं, ठीक है, सो ये आपको इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तीनों, व्हाट इज द टोटल पर्पस ऑफ द पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर चिल्ड्रन हु लूज देयर पेरेंट्स ऑन टू COVID-19? यस, आपका पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन से फंड दिया गया है उन चिल्ड्रंस को जो कि जिन्होंने अपने पेरेंट्स को लॉस किया कहाँ COVID-19 पर, कितने का? यस 10 लाख का, नो नो 10 लाख का, 10 लाख का आपका पीएम केयर फंड दिया गया है चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड नो टबाकू डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? यस इट्स 31st में, 31st मई को आपका वर्ल्ड नो टबाकू डे ऑब्जर्व किया गया है। क्लास आप ना डे वाइज जो करते हो, पीएम केयर्स फंड से बहुत सारे स्कीम्स हैं कीरत, कीरत पीएम स्केयर से फंड से बहुत सारे स्कीम्स हैं और मैं वो सारी करा दूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। हाँ जी क्लास, तो डे वाइज आप सारा लिख लेते हो, मैंने बोला था जैसे 1 जून को आपको क्या था, 1 जून का क्या था, कौन सा डे था 1 जून को, इस मंथ की स्टार्टिंग से अगर बात करें तो 1 जून पेरेंट्स एंड गार्जियन डे, ग्लोबल पेरेंट एंड, हाँ, और भी कोई डे था क्या? यस वर्ल्ड मिल्क डे भी था, ओके, एंड 2 जून को, 2 जून को कौन सा डे था? सर आज भी तो एनवायरनमेंट डे है ना, 5 जून। यस 2 जून को तेलंगाना डे, याद है तेलंगाना का बनना, तेलंगाना डे मैंने शायद मेंशन किया हो PDF में, ठीक।
थर्ड जून को क्या था? थर्ड जून को कौन सा डे था? वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। यस प्रीति, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 3 जून को था। कल क्या था? 4 जून को। यस, इनोसेंट, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ द अग्रेशन। यस, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। ठीक है, यस, यानी आप पढ़ते हो हर डे वाइज ना। चलिए, नेक्स्ट, आज एनवायरमेंट डे है, 5 जून। यस शीतल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एंटनी ग्लिहिच अवार्ड हैज बीन अवार्डेड टू इंडिया फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच स्पोर्ट्स? किस स्पोर्ट के लिए आपका एंटीन ग्लिहिच अवार्ड दिया जाता है? यस, आपका बी ऑप्शन, हॉकी के लिए दिया जाता है। और ये अवार्ड जनरली बेसिकली ग्रोथ और आपका कितना ज्यादा हॉकी गेम को डेवलप किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, उसके लिए अवार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन कोस्ट गार्ड ICG ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV सजग वॉज रिसेंटली कमीशन बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवल। द शिप वॉज हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? अब देखो, आपको ना स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ने से ही पता चल जाना चाहिए कि कौन आपका कहाँ की बात कर रहा है। श्री नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवल ने ऑफशोर पेट्रोल वेसल कहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड ICG ऑफशोर में बनाने के लिए बात की गई है, डेवलप किया है। और ये शिप किसके थ्रू डेवलप किया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के? दैट इज सी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के थ्रू। यस, सी ऑप्शन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने ये आपका बनाया है ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉल स्कुलेटर हु वाज पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? पॉल आपके स्कुलेटर ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे? दैट इज ऑफ डेनमार्क के। यस, डी ऑप्शन, डेनमार्क। क्लास ऐसी चीजें जो आती है ना, जिस कंट्री वाइज मैं शायद आपको अगर देखा हो तो करेंसीज एंड कैपिटल भी मैं मेंशन करता हूँ, तो क्लास वहां पर आपके बहुत सारी स्टैटिक जीके भी कवर हो जाती है करेंसीज कैपिटल को लेकर। ठीक, तो वो भी ध्यान में रखा करो, क्योंकि करेंसी कैपिटल एक ऐसी चीज है जहां से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है, बैंकिंग वालों को भी, इवन SSC वालों को भी, तो वो भी देख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च द अंकुर स्कीम टू एनकरेज द सिटीजन्स फॉर प्लांटिंग ट्रीज ड्यूरिंग मॉनसून? यू ऑल नो दैट आपका मध्य प्रदेश ने अंकुर स्कीम लॉन्च की है। और अंकुर स्कीम में क्या बोला है कि जो भी आपका ये प्लांटिंग करेगा मॉनसून टाइम पर ट्रीज को, उसको एक अवार्ड भी दिया जाएगा जो इससे इम्प्लीमेंटेशन में इंक्लूड होगा। दैट इज द प्राण वायु अवार्ड, सुना होगा शायद आपने, मैंने ये मेंशन भी किया था, प्राण वायु अवार्ड देने की बात की है ना, सुना है वर्ड, पढ़ा था PDF में, मेंशन किया है उसमें मैंने। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। सर हाँ जी मानस, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे को आपसे सर एक चीज पूछनी थी। जो जितने भी स्टेट्स हैं ये जो स्कीम्स ये लोग लॉन्च करते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के से फ्री होके लॉन्च करती हैं कि ये इनको पहले परमिशन लेना होता है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट अपने बिहाफ पर ना, स्टेट लिस्ट में वेलफेयर आता है, जो आपकी 3 लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और आपकी यूनियन लिस्ट। तो जनरली कुछ लिस्ट पे काम करना स्टेट का खुद से होता है, तो स्टेट अपने इम्प्लीमेंटेशन करता है, अपने स्कीम्स बनाता है। बल्कि अगर कभी यूनियन बनाता है तो सारी स्कीम सब स्टेट्स को फॉलो करनी पड़ती है। जबकि आपको ना पेपर में, बैंक वालों के लिए बता रहा हूँ, बैंक वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ यूनियन, सेंट्रल लेवल पर जितनी भी स्कीम्स है ना वो पेपर में पूछी जाती है। और स्टेट वाइज वो आती है जो बहुत मोस्ट वॉन्टेड रहती है, लाइक बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहती है। जैसे अंकुर स्कीम है, ऐसा नॉर्मल स्कीम, मेरे को नहीं लगता कि पेपर में आने के चांसेस हैं। बाकी स्टेट लेवल पर अगर मैं बात करूं तो उन क्वेश्चंस में ये रखे जाते हैं, ठीक है, उन एग्जाम्स में रखे जाते हैं। सो याद रखिएगा, कभी भी स्टेट अपने बिहाफ पर अगर कोई चीज कर रहा है तो उसके पास ये पावर है कि वो अपनी स्टेट लिस्ट के हिसाब से सोशल वेलफेयर और आपकी मतलब स्टेट में कुछ भी अलग से हटकर करने के लिए कर सकता है। जैसे केरल को ले लो, केरल भी बहुत सारी ऐसी चीजें करता है, ठीक है,
तो हर स्टेट ये चीज कर सकता है। अभी आपने इवन सुना होगा यूपी के गाजियाबाद में वो जो ग्रीन बॉन्ड लाया गया था ना गाजियाबाद में, वो स्टेट के थ्रू था। तो ऐसे स्टेट वाइज हर स्टेट कुछ ना कुछ अपने लिए कर सकता है, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी एक बार कि हम इस चीज को ऐसे करना चाहते हैं और इससे ये चेंज आएगा तो हो जाएगा। सो ठीक है, नेक्स्ट इज मैरी कॉम, हु हैज वॉन सिल्वर मेडल इन 2021 ASBC एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। शी वॉज कम्पीटिंग इन विच कैटेगरी इवेंट? यस, 51 kg का आपका ये कैटेगरी इवेंट था, 51 kg, ठीक है, हाई ऑक्टेन करके ये वो थी आपकी कैटेगरी, हाई ऑक्टेन 51 kg, ठीक है, कुछ इस तरीके से था, एक बार आप देख लेना, बाकी मेरे को तो लगता नहीं वो नाम पूछेगा उस इवेंट का, वेट पूछा हुआ है 51 kg, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ? यस, यू ऑल नो रवि शास्त्री, रवि शास्त्री की बुक है ये स्टार गेजिंग, ठीक है, क्लास ये इंपॉर्टेंट है बैंक वालों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच फुटबॉल टीम हैज वॉन द 2020-21 UEFA चैंपियंस लीग? यू ऑल नो दैट चेल्सी, किसको हराया है? मैनचेस्टर सिटी को, चेल्सी जीती है, फुटबॉल टीम जो कि 2020-21 UEFA चैंपियंस लीग जीती है, किसको हराकर? मैनचेस्टर सिटी को, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021? यू ऑल नो दैट बी ऑप्शन, कमिट टू क्विट, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक सावरकर ए कंटेस्टेड लेगेसी 1924-1966? यस, किसके थ्रू लिखी गई है? विक्रम संपत के थ्रू, ठीक है, विक्रम संपत के थ्रू ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन हु हैज बीन अवार्डेड विद द FIH प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हॉकी। यू ऑल नो दैट वी कार्तिकेय पंड्यन, सी ऑप्शन, वी कार्तिकेय पंड्यन को क्या मिला है? अवार्ड दिया गया FIH प्रेसिडेंट अवार्ड, ठीक है, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हॉकी के लिए। व्हेन इज द UN रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स सेलिब्रेटेड ग्लोबली? अभी हम बात कर ही चुके हैं, यस, हम बात कर चुके हैं, 1 June को आपका ही सेलिब्रेट किया गया है। एज पर द OECD बैंक्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द GDP रेट एस्टिमेटेड फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन FY22? ठीक है, यस, इट्स 9.9 आपकी परसेंट GDP जो है एस्टिमेटेड बताई गई है OECD के थ्रू। सो क्लास आज के लिए इतना ही, ठीक है, 24 क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड टुडे, ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी मैं PDF आज ये भेजूंगा, ये आपको नेक्स्ट सैटरडे तक मिलेगा, डोंट वरी। एंड आज आपको 2 PDF में भेजने वाला, उनको पढ़िएगा, कुछ भी इशू होता है मेरे से पूछिएगा, ठीक है, ऐसे ही कर करके हम बहुत सारा क्लास कर लेंगे, ठीक है। ओके रितेश, थैंक यू सो मच, आज का क्लास अच्छा लगा आपको? सर PDF नहीं आता, प्रीति आता है, मैं ये बात बोल चुका हूँ प्रीति, थोड़ा सा मेरी बात आप शायद सुनते नहीं हो, मैंने बोला है कि इस सैटरडे का नेक्स्ट सैटरडे आएगा प्रीति, व्हाई डोंट यू लिसन, आप सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात? हाँ जी प्रीति, प्रेरणा बोलिए। ऑन द वेबसाइट जहाँ पे सारे करंट अफेयर्स का एक जगह पे लेता है बुरा लेकिन वहाँ पे कुछ डेज के मिसिंग रहते हैं, तो फिर वो क्या आगे पीछे एडेड होते हैं डेज में या फिर गलती से छूट गए या फिर क्या? मैं एक बार चेकआउट करूंगा और मैं पूछता हूँ रोमा मैम से। देखो मैं तो प्रेरणा डेली बेसिस पर करंट भेजता हूँ, मेरे पास से हमेशा जाता है, छूटता कुछ नहीं है। हाँ अपलोड या फिर जो टेक्निकल टीम है वो अपलोड करती है तो शायद वो क्या पता मिस कर देती हो शायद, लेकिन मैं पूछ कर बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप ये चीज रोमा मैम को डायरेक्ट कॉल कीजिए, कोई इशू नहीं है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है प्रेरणा। ओके, ग्रुप में टाइम मिलते हैं टाइम टू टाइम, बट वो शायद क्विज टाइप फॉर्म होता है प्रीति। हाँ एक्चुअल में ये जो मैं क्वेश्चंस करंट अफेयर के ना, इसे क्विज बेसिस बनाकर भेजा जाता है। यस शीतल, टेस्ट में आते हैं समझ नहीं आता ऐसे कैसे भाई, आप अगर पूरा वो पढ़ते होंगे करंट अफेयर तो समझ आना चाहिए। प्रेरणा कुछ पूछना है आपको? ठीक है, सो
ठीक क्लास, और कुछ? ओके सो क्लास दिस इज फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना सब और पढ़ते रहिए, धीरे धीरे बहुत कुछ सीख जाएंगे और आपको एग्जाम क्रैक करना है तो मेहनत करते रहो, ठीक है? ओके क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर।